सर मुझे ना एक डाउट है। पहले कुछ लिखने तो दे बेटा बोर्ड पे। सर मुझे फिर भी एक डाउट है। ना कोई क्वेश्चन लिखा है ना कोई आंसर लिखा है, फिर कैसा डाउट? सर मुझे फिर भी एक डाउट है। अबे पागल है क्या? सर मुझे पागल पर भी डाउट है। अरे महाराज। सर मुझे अरे पर भी डाउट है। ए पुष्पा, मैं तुझे डेट पे तो ले जाऊं पर तू खावे बहुत है। मैं कभी कुछ सवाल भी पूछ लिया करो, कभी कुछ डाउट तो क्लियर करवा लिया करो। सर जी बस मेरा एक डाउट है। पूछिए। कॉलेज की छुट्टी तो 5 बजे हो गए और तुम घर पहुंचो 7 बजे, और हमारे कॉलेज से तुम्हारे घर का रास्ता यूरा 2 गली छोड़ के। तो टहल कर आराम से घर जाता हूँ मैं। या कहाँ टहल के जाओ सर जी तुम, उर्मिला मैडम की गेल जाओ अपना रेस्टोरेंट में सोते हुए। अच्छा मजाक करता है, अच्छा यूट्यूबर बनेगा, ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहेगी तेरी वीडियो। बैठ जा बैठ जा। सर जी मेरा एक और डाउट है बस। अरे मैंने कहा ना बैठ जा बैठ जा बैठ जा, होशियार बच्चा है तू, तेरे को क्या डाउट हो सकता है? योर क्वेश्चन हर्ट मी, तेरे जैसे बच्चों को कभी डाउट ही नहीं हो सकता। गुरुजी मेरी तरफ से आपके लिए कुर्ते पजामे। थैंक यू बट नंबर मैं बेटा अपनी मर्जी से दूंगा। क्या यार मक्खन सही से नहीं लगा। अरे मेरी स्कूटी। अरे इंस्पेक्टर जी यार ढूंढो कहाँ गए मेरी स्कूटी यार। ठीक है जी ठीक है यार, ये अमित है तो लड़ाकू बट है जुगाड़ू, इसको कॉल करता हूँ। हाँ अमित। हाँ बेटा वो मिसेज मेहता है ना? मिसेज मेहता वो जो सर जी तारी गर्लफ्रेंड है। अरे कहाँ यार वो गर्लफ्रेंड हमारी, वो तो जवानी के दिन अलग थे, अब कहाँ उम्र बची है। मिसेस मेहता मेरी वाइफ है, और वो जो स्कूटी थी ना मेरी यार, उनके पापा की आखिरी निशानी थी यार, वो आज चुर गई यार, कुछ करना है यार जुगाड़ कहीं से। ए सर जी कैसी बात कर दी तुमने, थारी स्कूटी मतलब मारी स्कूटी कतई तमसु 150 ग्राम भी दूर ना होंदे, मैं मात्र 8.5 मिनट में आपके दौरे खड़ी मिलेगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब क्या नंबर पूरे आएंगे। पर बेटा सारे नंबर तुम्हारे हैं। तेरे भाई का सिक्का खरा है, हर मास्टर को हमने ठगा है। अरे तुझसे शाम को मिलता हूँ, अभी मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तुझे पता है कितनी बड़ी कंपनी है, अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेटल है यार। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ ठीक है। तू यहाँ? अबे रोहित मुझे पता था एक दिन तू जरूर चपड़ासी बनेगा, पिला रहे ना पानी, कल से मुझे भी पिलाई जाओ। रोहित शर्मा। तू तोने आप सीईओ अमित बड़ाना। तू तो यही सोचता था ना, जो 18-18 घंटे पढ़ेगा
रट्टा तो तू बनेगा, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। मानता हूँ बहुत आगे बढ़ता है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता है, लेकिन तू एक बात भूल गया था, जो क्लास में आखिरी सीट पे बैठा हुआ लास्ट बेंचर होता है ना, वो अपने से आगे के सभी बेंचेस पे पीछे से नजर रखता है। तू एक और बात भूल गया था, तूने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी कछुए की और खरगोश की। सॉरी यार। सॉरी यार ने, सॉरी सर। कामयाबी किताबों को रटने से नहीं, अपने हुनर को समझने से मिलती है। और हाँ सुन, कल से नौकरी पर आ जाओ। और हाँ, चपरासी भी इंसान है, तेरी और मेरी तरह। चल दीना पहाड़ हो चलता जो बड़ी बड़ी कारा बेच नहीं दीदा बोल पाला चौटी दिया नारा बेच नहीं। अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ रहा है अमित बढ़ाना, अब हर दिल में बस रहा है। दुनिया तो वक्री ही तोर दुरदा एह नी जो इत्थे उत्थे नित होंदे ने मुकाबले दीआं गल्लां छड़ दे काका मेरे तां डुप्लीकेट भी हिट होंदे ने। दा 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 दा